नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की बहुत सारे महत्वपूर्ण और प्रमुख तिथियों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख तिथि यानी कि भारतीय संविधान में बहुत ही प्रमुख जो है यानी इम्पोर्टेंट डेट्स है जिससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हमेशा। और ये ऐसे प्रश्न है कि आपको हमेशा के लिए याद रखने होंगे, तो आप रट जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा जिसके द्वारा संविधान का जो है निर्माण किया गया था, तो इसका चुनाव कब हुआ है। देखिए, सब चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ था, जब ऐसे ही साल पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है पॉइंट कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ। जब जाहिर सी बात, संविधान सभा का गठन हुआ तो उसकी प्रथम बैठक भी हुई होगी, तो वो कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संविधान है उसका निर्माण होना था, और पहला जो बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बहुत ही वृद्ध थे और सीनियर थे। संविधान सभा में जो भी सदस्य चुने गए थे सबसे सीनियर थे, इसीलिए उनको जो है बनाया गया था। हालांकि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ये तो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थाई अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए। देखिए, जो अस्थायी अध्यक्ष जो है 2 ही दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, ये भी बिहार से थे, यही जो है अस्थायी अध्यक्ष बने, जो कि अंत तक रहे, जब तक कि संविधान सभा ने संविधान का गठन नहीं, मतलब एक तरह से उसका निर्माण नहीं कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ। ये तो था अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, और इसके बाद अस्थाई जो दोनों अध्यक्ष हैं उनके निर्वाचन के बाद इसकी कार्यवाही शुरू करनी थी, तो वो कब हुआ। तो देखिए, 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, ये 13 दिसंबर, ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को ही जो है संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई, और जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि बाद में इसे स्वीकार किया गया है, तो प्रस्तुत जो किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव, ये 13 दिसंबर 1946 को ही किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, ठीक है, जब जो देश प्रस्ताव था उसको स्वीकृति हो गया, उसके बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई, उसका गठन कब किया गया। देखिए, ये 22 जनवरी 1947 को जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, और जो प्रमुख समितियां बनी थी वो थी संघ संविधान समिति, वार्ता समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो ये इतनी सारी और भी बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, लेकिन ये प्रमुख के बारे में है। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन योजना कब लागू किया गया। जाहिर सी बात है, माउंट बेटन योजना भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए लाया गया था, और कैसे जो भारत या पाकिस्तान में कैसे सरकार बनानी थी, संविधान का कैसे निर्माण करना था, इन सारी बातों से जुड़ा हुआ था माउंट बेटन योजना। उसके बारे में अलग से हम लोग एक वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। देखिए, तो ये 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन योजना जो को योजना को है लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। देखिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप, देखिए जो संविधान का प्रारूप था, ठीक है, जो प्रारूप जो है अगर ड्राफ्ट के बाद बात किया है, तो बी एन राव ने तैयार किया था, लेकिन उसके उस पर विचार विमर्श करने के लिए जो है संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया और प्रारूप समिति गठन किया। ठीक है, ड्राफ्ट कमिटी जो है उसका गठन किया, और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को जो है रखा, जबकि अन्य सदस्य
जो थे वो सात संख्या में था, जो कि अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट कौन कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, उसके सैयद मोहम्मद साउतुल्ला, देखिए डीपी खोतान, और इसके देखिए और एक और थे एन माधव राव, जो कि जिनके स्थान जो कि बी एल मित्र के स्थान पे आए थे। तो इसके अलावा 1948 में देखिए मृत्यु हुई थी डीपी खोतान का, तो टीटी कृष्णमाचारी को भी सदस्य बनाया गया था। तो घुमा फिरा कर सात सदस्य थे, मुख्य जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का पुनर्गठन क्यों हुआ, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो हो चुका था 9 दिसंबर को 1946 को, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 229 रह गई, जो कि 200 पहले 389 हुआ करती थी, जो कि 229 रह गई। इसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी, ठीक है। तो ये था। अब इसके साथ में और जोड़ लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में, कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी प्रारूप समिति ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहीं आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा कब लागू किया गया। देखिए संविधान सभा एक्चुअली संविधान सभा द्वारा जो है संविधान सभा द्वारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि इसका निर्माण जो है पहले 26 नवंबर 1949 को अंतरिम रूप से हो ही गया था, और अंशतः अगर कहा जाए तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन अंशतः ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जो है संशोधन किया गया उसके बाद जो आखिर रूप से 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी को डेट इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस जो है पहले से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रही थी, इसलिए एक डेट निश्चित करना था, इसलिए 26 जनवरी को ही वो फिक्स किया गया कि संविधान को लागू किया जाए और भारत को गणतंत्र घोषित किया जाए। अब देखिए भारत एक्चुअली कब स्वतंत्र हुआ, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को ही भारत स्वतंत्र हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र ध्वज जो नेशनल फ्लैग है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया। एक्चुअली सब संविधान सभा ने ही अपनाया था कि भारत का राष्ट्र ध्वज नेशनल फ्लैग क्या होगा। तो ये देखिए ये 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। अब है कि राष्ट्र ध्वज किसने, तो पिंगली वेंकैया है, तो उन्होंने जो है राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया था। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो खैर अभी इम्पोर्टेंट यही है कि राष्ट्र ध्वज जो है कब अपनाया गया देश का राष्ट्र ध्वज, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राज चिन्ह, ठीक है, राज चिन्ह जो अशोक स्तंभ होता है, तो राज चिन्ह जो है अपनाया गया कब, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह अपनाया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन कब अपनाया गया, देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, भारत का एक एंथम। नेक्स्ट है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा जो पारित कर दिया गया। नेक्स्ट है ये प्रश्न बहुत बार आया है कि भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ था। देखिए 1952 में अगर एग्जैक्ट पूछा जाए अगर डेट रहे तो, लेकिन अगर सत्र के बारे में पूछा जाए तो 1951 से 1952 के बीच जो है ये सत्र है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ, ये वित्त आयोग है इसका गठन जो है एक्चुअली अब तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और 5 साल के लिए जो इसका गठन होता है वित्त आयोग का, तो प्रथम जो हुआ था केसी नियोगी जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम वित्त आयोग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल 1966 से 1969 के बीच का था। नेक्स्ट है कि अंतरिम संसद द्वारा प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव जो है कब हुआ। देखिए 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद द्वारा प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है कि संविधान के तहत
राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ? ठीक है, तो देखिए ये चुनाव हुआ था संविधान के तहत, तो चलिए संविधान के तहत जो है मई 1952 में, और यहाँ है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पुनः। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग, एक्चुअली योजना आयोग का गठन हुआ, तो यही रखा जाए कि योजना आयोग का गठन जो है यहाँ प्रथम हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई है? तो देखिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? तो ये 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान संशोधन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें कि जितने भी सारे प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, तो सबको शामिल किया जाएगा, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है जो है कि पंचायती राज का विधिवत जो है उद्घाटन जो है नागौर राजस्थान में कब किया गया? तो ये देखिए नागौर जो है राजस्थान का एक जिला है, और ये शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत किया गया था पंचायती राज का राजस्थान के नागौर जिला से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2008 कब प्रभावी हुआ? देखिए अब 1 अप्रैल 2010 को जो है ये निःशुल्क बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है? नीति आयोग गठन जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। ये नीति आयोग जो है योजना आयोग के बाद ही आया है, जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो है कार्यभार संभाला है तो योजना आयोग को बदल दिया है। हालांकि ठीक है, अब देखिए अभी लेटेस्ट में न्यूज क्या है कि इस तरह का नामकरण चेंज होता रहा है, जैसे कि अभी देखिए अभी क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो आदित्य योगी नाथ ने जो है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। अब देखिए और सबसे रिसेंटली यानी कि आज के डेट में अगर बोला जाए तो 6 नवंबर को घोषणा किया है उन्होंने, यानी योगी आदित्यनाथ ने, कि जो फैजाबाद है वो फैजाबाद का नाम जो अयोध्या हो जाएगा। तो ये कुछ पॉलिटिकल ये सब नाम चेंज होते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और कम से कम 3 लोगों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए आने वाले वीडियो के लिए, सबसे पहले जानकारी के लिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।